कल जो एसपी सर का उसमें हम लिखा था उस समय हम थोड़ा नशा में था, दोस्त को फोन में गाली दे रहा था, गाली देते थे एसपी सर का वीडियो देखते देखते, दोस्त को फोन में गाली देते देते हम उसमें हमको एसपी बोल के गलती से टाइप हो गया, हम भी मालूम नहीं हुआ है। बाद में एसडीपीओ सर हमको सुबह सुबह आके ढूंढ के आया है, उसके बाद अभी एसपी ऑफिस में लेके एसपी सर से हम दिल से मतलब सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांग रहे हैं सर से। एक्चुअली सर को हमने लिखा था, अपना आइडिया हम कैसे लिखेगा सर को, दूसरे को दोस्त को हम गाली देते रहते कैसे टाइप हो गया हम भी मालूम नहीं है, सुबह हमको एसडीपीओ सर दिखा रहा है तुम कैसे ऐसे मीडिया में दे दिया, और सोशल मीडिया में तो और भी नहीं डालेगा ऐसा लिखने से पर्सनली, और अलग बात है मीडिया में तो और भी गलती से भी नहीं रहा मतलब कैसे चला गया हम भी मालूम है, मेरा गलती हो गया, इसलिए हम एसपी सर से हम दिल से मतलब माफ़ी मांग रहे हैं। नशे में था क्या? हाँ थोड़ा नशा में था। ठीक है, हमको कोई फ्रेंड ने मुझे भेजा था हानापुर एसपी बोल के, वो एक कल का जो जर्नलिस्ट एसोल्ट केस में हमने जो मीडिया ब्रीफिंग करा था उसका वीडियो का एक लिंक में कोई लिखा हानापुर एसपी, तो वो भी मेरा फोटो भी था उसमें, तो हमने एसडीपी को बोला इसको पता करो कौन, तो पता चला ये खुद माफ़ी मांग रहा है कि वो नशे में था और अपना दोस्त को गाली दे रहा था और गलती से टाइप हो गया और बात करते करते, तो ठीक है माफ़ कर, लेकिन आइंदा कोई ऐसा ना करे, कोई इश्यू है जरूर बात कर लो हमसे या व्हाट्सएप कर लो, प्रॉब्लम लगता है तो, या हमको हमसे बहुत तकलीफ लगता है वो भी बताओ, कोई कोई होता होगा क्योंकि हम लोग करेक्ट से काम कर रहे हैं, तो कोई कोई तो खराब पाने वाला भी होगा, हम सोचा था कोई गुंडा होता होगा कोई दादा होता होगा तो हम सोचा था मनामती करेगा लॉकअप में, लेकिन अभी देखा है तो वो माफ़ी मांग रहा है, ठीक है माफ़ कर देते।